हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिजिटल एज सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम जो करेंगे, कंप्रेसर को वैक्यूम पंप और प्रेशर पंप के लिए यूज करेंगे। उसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है? हमारे पास दो फीड वाल्व होनी चाहिए, उसके बाद ये पैन होना चाहिए जिससे हम टारगेट लगाएंगे। दूसरा हमारे पास एक टॉर्च होना चाहिए और बाकी एक कंप्रेसर होना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, हम टारगेट लगाने जा रहे तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे दोनों टारगेट लगा के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। देख पा रहे हैं हमारे ये दोनों टारगेट लग के कंप्लीट हो चुके हैं। ये गैस चार्ज करते हैं कंप्रेसर में, वो लाइन है, इसको हमने ब्लॉक कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसका सीधे से कनेक्शन करेंगे। उसके लिए पहले ये लॉक होता है, इस लॉक को खोलेंगे। उसके बाद ये कवर होता है, इसे हम बाहर करेंगे। अब इसकी कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो थिम्बल की जरूरत पड़ेगी। वो अभी हम थिम्बल लगा के दिखा रहे हैं आपको। बस दो थिम्बल है, इसमें हम कनेक्ट करेंगे कनेक्शन के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, ये थिम्बल लग चुका है। अब इसमें कनेक्शन करेंगे। और इससे हम प्रेशर बढ़ के दिखाते हैं आपको गेज में कि ये अपना 350 तक प्रेशर बढ़ सकता है। कनेक्शन करेंगे बंद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रेशर की आवाज आ रही होगी आपको। अब हम इससे प्रेशर डाल के दिखाते हैं आपको ये कितना प्रेशर होगा।